रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप के बारे में पढ़ा था और त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं विद्यार्थियों वर्ताकार प्रतिरूप के बारे में। वर्ताकार का प्रतिरूप कैसा विद्यार्थियों? वर्ताकार प्रतिरूप। अब वर्ताकार नाम से भी स्पष्ट है, गोल। अब वर्ताकार प्रतिरूप वैसे तो हमारे सिलेबस में एक ही है, लेकिन वर्ताकार प्रतिरूप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नाभिकीय, नाभिकीय, और दूसरा होता है निहारिका, निहारिका। नाभिक प्रतिरूप होता है विद्यार्थियों वो बीच में स्थिर भाग होता है, स्थिर भाग, और उसके चारों ओर घर बन जाते हैं। और निहारिका होता है इसके केंद्र में, सेंटर में जल होता है, जल भाग। जैसे मैं आपको कोई किला है या मंदिर है या फिर पूजा स्थल और कोई धार्मिक स्थल है, धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है, इसकी बात की जाए और इतने बात की जाए जैसे तालाब है, तालाब, जी, बावली, इस प्रकार से, यानी कि वर्ता का गोल घेरा, और गोल घेरे में मान लीजिए तालाब है और उसके चारों ओर अधिवासों का निर्माण हो जाता है। डायग्राम यह बना लेते हैं, अपन पाठ्यक्रम के अनुसार बात करें विद्यार्थियों, जैसे तालाब है और तालाब के चारों ओर जो अधिवासों का निर्माण हो जाता है, पास पास में तो कैसा हो जाएगा? सघन अधिवास। दूर दूर है कैसा हो जाएगा? परिधि। और वन लेयर टू लेयर कोई भी बना सकते हैं आप। इस प्रकार से अधिवास है तो वो अधिवास क्या हो जाएगा? वर्ताकार प्रतिरूप। तालाब है, झील है, इस प्रकार से तो वो क्या कहलाएगा? वर्ताकार प्रतिरूप। तो अब बस बात करते हैं वर्ताकार प्रतिरूप के अंतर्गत, जब किसी जलाशय के चारों ओर अधिवास का निर्माण होता है तो वर्ताकार प्रतिरूप बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तालाब, झील, कुआ, बावड़ी आदि, इनके चारों यदि कोई अधिवासों का निर्माण होता है तो अपन क्या कहते हैं? वर्ताकार प्रतिरूप। अब बात करें नाभिकीय प्रतिरूप की, बात नाभिकीय प्रतिरूप। नाभिकीय प्रतिरूप इसको आप न्यायिक प्रतिरूप से जोड़ने में
और बाद में नाभिक की प्रतिरूप। तो इसकी डेफिनेशन नीचे लिखेंगे, जब किसी स्थल भाग, जब किसी स्थल भाग पर निर्मित संरचना के चारों ओर अधिवासों का निर्माण हो जाता है, तो वह अधिवास नाभिकीय प्रतिरूप कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए, किला, मंदिर, सभा स्थल, पंचायत आदि, जिनकी चार निर्माण होता है, तो नाभिक जब किसी डायग्राम कैसे, ये थोड़ा सा लिखना है, जल्दी बात और इसका डायग्राम भी ऐसे होगा। मानचित्र किला है स्थल भाग के अंदर और उसके चारों ओर ये निर्माण हो जाता है, तो अपन क्या कहेंगे साथियों, नाभिकीय प्रतिरूप, नाभिकीय प्रतिरूप। जब किसी जलाशय की चार ओर ये निर्माण होता तो वर्ताकार प्रतिरूप, और जब किसी स्थल भाग पर निर्मित संरचना के रचना किला मंदिर मस्जिद सभा स्थल से इशारों दिवसों का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं साथियों, नाभिकीय, या जो जमींदार होता है, जमींदार की चारों ओर, जमींदार की जमींदार के चारों। इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं कि नाभिकीय प्रतिरूप में और वर्ताकार प्रतिरूप में अंतर क्या है। अब बात करें अर्धवर्ताकार, अर्धवर्ताकार प्रतिरूप। अर्धवर्ताकार प्रतिरूप में क्या होता है जानने की समझने की कोशिश करें। जैसे इस साइड से कोई मार्ग आ रहा है और यह तालाब है या कोई किला है, फिर ये मार्ग इसके चारों ओर से घूम करके इस साइड से इस साइड को आ रहा है, मान लीजिए इसके चारों ओर आ रहा है इस साइड से, और यहां पर इसका परिक्रमण हो जाता है, अधिवासों का निर्माण
कहलाता है। जब निवास तालाब द्वीप या किले या मंदिर के एक ही दिशा में अधिकांश में निर्माण होता है तो अर्धवर्ता का प्रतिरूप कहलाता है। इस प्रकार हमने बात की प्रतिरूपों के बारे में। आगे बात करें अपन वर्ताकार प्रतिरूप की हो गई। वर्ताकार जब किसी जलाशय की चारों ओर अधिवास निर्मित होता है तो वर्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। उदाहरण के तौर पर तालाब या झील या कुआं या बावड़ी सैप याद रखना चाहते हैं। नाभि के प्रतिरूप जब किसी स्थल भाग पर निर्मित संरचना के चारों ओर अधिवास पर निर्माण हो जाता है तो वह नाभि के प्रतिरूप कहलाता है। उदाहरण के तौर पर किला मंदिर सभा स्थल जमीन आदि। और अर्ध वर्ताकार प्रतिरूप की बात करें तो जब अधिवास तालाब झील मंदिर या एक दिशा में अधिवास पर निर्माण होता है अर्ध वर्ताकार प्रतिरूप कहलाता है। आगे अपन बात करते हैं विद्यार्थियों। तो हमने मुख्य रूप से पिछले वीडियो में रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप और त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बारे में पढ़ा। अब हमने पढ़ चुके हैं वर्ताकार प्रतिरूप के बारे में, नाभि के प्रतिरूप के बारे में, अर्धवर्ताकार प्रतिरूप के बारे में। और आगे अपन पढ़ते हैं अभी इसी के आगे कंटिन्यूज के अंतर्गत अरीय प्रतिरूप या त्रिज्या प्रतिरूप के बारे में। प्रतिरूप या त्रिज्या प्रतिरूप जब कई दिशाओं से सड़क मार्ग आकर के, मान लीजिए कोई ये स्थल है और इस स्थल के इस दिशा से भी, इस दिशा से भी, इस दिशा से भी कोई सड़क आती है और इन गलियों के किनारे किनारे अधिवासों का निर्माण हो जाता है ये एक प्रकार की त्रिज्या मान लें। पास पास में तो मिश्रित अधिवास, सॉरी सघन अधिवास, दूर दूर है तो परिकीर्ण अधिवास। प्रकार के अंदर और प्रतिरूप के अंदर कौन सा अरीय या त्रिज्य प्रतिरूप। इस प्रकार से यदि कोई अधिवासों का निर्माण होता है तो आप क्या कहेंगे, अरीय या त्रिज्य प्रतिरूप। जब गांव में एक ही स्थल पर अनेक दिशाओं से सड़क आकर के मिलती है तो सड़कों के किनारे अधिवास निर्मित होते हैं। लिखें इसमें, जब गांव में अनेक दिशाओं से सड़क आकर मिलती है और सड़कों के किनारे अधिवासों का निर्माण होता है तो वह अरीय
त्रिज्या प्रतिरूप कहलाता है। जब गांव में अनेक दिशाओं से सड़क आकर मिलती है तो और सड़कों के किनारे आदिवासियों का निर्माण हो जाता है तो वह अरीय प्रतिरूप कहलाता है। जैसे ये गांव है, अनेक दिशाओं से सड़क आ रही है और इन सड़कों के किनारे इन गलियों के समांतर आदिवासियों का निर्माण हो जाता है तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहेंगे? ऊपर से जैसे सैटेलाइट से लिए जाते इस प्रकार से मानचित्र दिखता है तो अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। इस प्रकार हमने बात की, गलियां समांतर नहीं होती है लेकिन ये गलियां होती है, ये समांतर नहीं होती है। गलियां समांतर नहीं होती है, कहने का मतलब है ये गलियां समांतर नहीं होती। समांतर का मतलब है ऐसी दो लाइनें एक दूसरे की बीच की दूरी बराबर हो, अनंत दूरी तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करें, वो समांतर होती है। तो ये क्या है? समांतर नहीं है। तो गलियां समांतर नहीं होती है। और ऐसे आपको कहां मिलेंगे? आपको देखने को गंगा के ऊपरी मैदान उदाहरण के तौर पर आपको कहां मिलेंगे? गंगा नदी के ऊपरी मैदानों में, राजस्थान में भी इस प्रकार के, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, कई राज्यों आदि राज्यों में, लिख दें आदि राज्यों, इस प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं। आगे अपन बात करें तारा प्रतिरूप, कैसा प्रतिरूप विद्यार्थियों? तारा प्रतिरूप, तो तारा प्रतिरूप में ज्यादा अंतर कुछ नहीं है। तारा प्रतिरूप की बात करें, तारा प्रतिरूप में क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था होती है वो अरीय प्रतिरूप की होती है। तारा प्रतिरूप में जैसे देखिए, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं, यही बना लेता हूं। जैसे कोई स्थान है ये, और कई दिशाओं से सड़क मार्ग आ रही है। मान लीजिए ये कई दिशाओं से सड़क मार्ग आ रही है और इसके किनारे किनारे आदिवासियों का निर्माण हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि सर अरीय प्रतिरूप जैसा ही बना रहा है, लेकिन हां भाइयों, ये प्रारंभिक जो इसका रूप होता है वो अरीय रूप ही होता है। जैसा कि अरीय प्रतिरूप और इस प्रतिरूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अरीय प्रतिरूप के बाद में जनसंख्या तो बढ़ती रहती है, स्थल भाग तो बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है विद्यार्थियों? फिर और यहां बसने के बाद इसके मध्यवर्ती भाग के चारों ओर लोग बसना चाहते हैं और इस प्रकार से ये आदिवास और निर्माण हो गए। ये मुख्य बात है विद्यार्थियों। इस प्रकार से और निर्माण हो जाते हैं आदिवासियों के। इस प्रकार का यदि कोई अधिवास है तो आप इसको क्या कहोगे? तारा प्रतिरूप, तारे के समान दिखाई देता है। तारा प्रतिरूप के बारे में यानी इसकी बाउंड्री करना चाहते हैं।
ये प्रतिरूप। तो इस प्रकार से जो प्रतिरूप होता है वो तारा प्रतिरूप कहलाता है। प्रारंभिक में अर्य प्रतिरूप होता है, बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के मध्य भागों में मकान बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखें, प्रारंभ में अर्य प्रतिरूप होता है लेकिन बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे सड़कों के मध्यवर्ती भागों में मकान बन जाते हैं जिससे तारा प्रतिरूप प्रतिरूप कहलाता है। मध्य सड़कों के जो जाती है इसके मध्यवर्ती इन भागों में मकान बन गए तो किस प्रकार का दिखेगा, आरंभ में अर्य प्रतिरूप ही होता है, ठीक है विद्यार्थियों। लेकिन बाहर की ओर जाने वाली सड़कें हैं, विभिन्न दिशाओं में जाने वाली सड़कें हैं, उसके जो मध्यवर्ती भाग है ये वहां पर मकानों का निर्माण हो जाता है तो वो तारा प्रतिरूप कहलाता है। इस प्रकार हमने अर्य प्रतिरूप के बारे में, तारा प्रतिरूप के बारे में बात की और ये प्रतिरूप मुख्य रूप से मतलब सड़कों के किनारे और इस प्रकार के मध्यवर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं स्टार पैटर्न के अनुसार। अब बात करें अनियमित अनाकार प्रतिरूप। अब अगली बात करते हैं विद्यार्थियों, जिसका कोई आकार नहीं अनाकार, अनाकार प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप कह सकते हैं। अनाकार प्रतिरूप या अनियमित प्रतिरूप जो अपनी सुविधा के बिना किसी योजना से बनाया जाता है, मतलब अनाकार प्रतिरूप होता है वो कोई पहले कोई योजना नहीं होती है, मकान अपनी सुविधा अनुसार बना दिया जाता है जिसका कोई आकार नहीं होता है। बिना योजना से बने मकान वाले अधिवास अनियमित अधिवास अनियमित प्रतिरूप कहलाता है। इसमें कोई पूर्व में कोई योजना नहीं होती है, फिर इसको जोड़ने के लिए छोटी मोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियां बनाई जाती है। इस प्रकार के उदाहरण आज राजस्थान में खूब सारे गांव देखे जा सकते हैं जो पहले बन गए उनकी सड़कों के लिए नहीं होती है, आज छोटी मोटी बातों से लड़ते रहते हैं गलियों के लिए सड़कों के लिए। तो ये स्थिति कहां कैसे प्रतिरूप में आती है, अनियमित प्रतिरूप में। ऐसे कई सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं राजस्थान के अंतर्गत जो बिना पूर्व की कोई योजना नहीं थी, और आज अधिकतर केस ऐसे ही आते हैं जो मार्गों के अवरुद्ध से आते हैं। तो इस प्रकार हमने अनियमित प्रतिरूप की बात की, और ऐसा आपको उदाहरण सबसे अच्छा देखना है तो राजस्थान, खूब सारे राजस्थान के उदाहरण है लेकिन राजस्थान के 12 जिला 12 जिले के लिस्साड़ी गांव सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान के 12 जिले में लिस्साड़ी गांव में किस प्रकार का प्रतिरूप
पाया जाता है तो अनियमित प्रतिरूप, अनाकार प्रतिरूप, जहां पर पहले कोई योजना नहीं होती है, फिर गांव में अधिवास अधिक हो जाते हैं, जनसंख्या अधिक हो जाती है, फिर गलियां निकाली जाती, छोटी मोटी कच्ची सड़कें बनाई जाती है, फिर वाद विवाद मार्गों के लिए होता है, इस प्रकार के अनियमित प्रतिरूप विकसित होते हैं। और ऐसा उदाहरण आपको कहां देखने को मिलेगा? अच्छा उदाहरण देखना है तो राजस्थान के बारा जिले के लशाड़ी गांव, जहां पर आपको अच्छा उदाहरण है, और राजस्थान के अधिकतर गांव ऐसे ही है जो अनियमित प्रतिरूप के हैं। अब बात करें पंख का प्रतिरूप। पंख का प्रतिरूप आपको डायग्राम बनाकर बताना चाह रहा हूं। जैसे गांव है और इसकी चारों ओर आदिवासियों का निर्माण हो गया, ये देखिए विद्यार्थियों बोर्ड की ओर ध्यान दें, इस प्रकार से आदिवासियों का निर्माण हो जाता है। फिर एक बाहर जाने वाली कोई सड़क मार्ग है ये, और फिर इसकी चारों ओर इस प्रकार से निर्माण होने के बाद बाहर जाने वाली सड़क के किनारे किनारे भी आदिवासियों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो ऐसे आदिवासियों को क्या कहेंगे? पंख का प्रतिरूप। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो ये क्या है? पंख का रूप प्रतिरूप के अंतर्गत समझा जा सकता है। प्रतिरूप कैसा है? पंख का प्रतिरूप। तो इसमें अपन लिख सकते हैं गांव के केंद्र की चारों ओर मकान बनकर फिर सड़क के किनारे रे की प्रतिरूप मकान बनते हैं। गांव के केंद्र में मकान बनने के बाद बाहर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे रेखीय प्रतिरूप विकसित होता है। ऐसे प्रतिरूप कैसे होंगे? पंखा प्रतिरूप, यानी गांव के केंद्र की ओर मकान बनने के बाद बाहर की ओर जाने वाली सड़कों के किनारे आवासों का निर्माण हो जाता है, तो ये रेखीय प्रतिरूप हो गया, और इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है? पंखा प्रतिरूप। इस प्रकार हमने बात की पंखा प्रतिरूप की। अब बात करें सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलेंगे। मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है, इस प्रकार से तो यहां पर कोई आदिवासियों का निर्माण हो जाता है, यहां पर तो ऐसे प्रतिरूप कैसे विद्यार्थियों दिखाई देते हैं? सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहेंगे? पहाड़ी क्षेत्रों पर इस प्रकार से प्रतिरूप का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहेंगे विद्यार्थियों? सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। तो अपन बात करते हैं पर्वतीय ढालों पर विकसित, बात करें पर्वतीय ढालों पर विकसित प्रतिरूप सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पाया जाता है। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप पाया जाता है। बात करें हिमालय, ऐसे किस क्षेत्र में मिलेंगे? उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हिमालय में रॉकीज, आल्प्स, एंडीज,
ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप जो पर्वतीय ढालों पर दीक्षित होते हैं। इस प्रकार हम बात करते हैं अगले प्रतिरूप के बारे में, तो मधुशता प्रतिरूप। अगले क्षेत्र की बात करें तो विद्यार्थियों, मधु सता प्रतिरूप, ये भी विद्यार्थियों पर्वतीय ढालों में जो कच्ची झोंपड़ियां होती है वो मधुमक्खी के सते के समान दिखाई देती है, जैसा कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद्यार्थियों। जैसा कि कच्ची झोंपड़ियां हैं वो इस प्रकार से दिखाई देती होगी दूर से, और मान लीजिए वो संघन बस्ती क्या करती है, तो इस प्रकार से देखा जाए इस प्रकार की झोंपड़ियां होती है जो दूर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं मधु सता प्रतिरूप। तो ये बात करें गुमदाकार झोंपड़ियों के काम, यानी कि बात करें तो ऐसे गुमदा दाकार झोंपड़ियों के गांव में इस प्रकार का प्रतिरूप देखने को मिलता। गुमदाकार कोई गांव है, कच्ची झोंपड़ियां बनी हुई है, ऐसे गांव में इस प्रकार के प्रतिरूप देखे जा सकते हैं। बात करें भारत में टोंडा जनजाति द्वारा, भारत में टोंडा जनजाति द्वारा इस प्रकार की झोंपड़ियां बनाई जाती है। आगे बात करें आंध्र प्रदेश में मछुआरों द्वारा समुद्री तट पर इस प्रकार के भी देखे जा सकते हैं। आगे बात करें तो ये समुद्री तट पर मछुआरों द्वारा बनाए गए गांव भी ऐसे ही होते हैं। और विश्व के अंदर बात करें, विश्व के अंदर ऐसी बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका के जुलू लोगों के गांव जो इसी प्रकार के प्रतिरूप पाए जाते हैं, जुलू लोगों के गांव। इस प्रकार हमने मधुसता के बारे में, प्रतिरूप के बारे में बात की। इस प्रकार हमने और भी प्रतिरूप की बात करें तो अन्य प्रतिरूप के अंदर अपन बात कर सकते हैं मकड़ी जाल प्रतिरूप। कुछ विद्वान इसको अर्य प्रतिरूप के अंदर भी सम्मिलित करते हैं, मकड़ी जाल प्रतिरूप। अगले प्रतिरूप की बात करें तो टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप, यानी कि जिग जैग। तो टेढ़ा मेढ़ा का मतलब है कोई भी इस प्रकार से अधिवासों का निर्माण हो जाता है जिनको हम टेढ़ा मेढ़ा प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में हमने बात की है प्रतिरूपों के बारे में। पिछले वीडियो में चार प्रतिरूपों के बारे में पढ़ा था, आज हम इस प्रतिरूप में लगभग टोटल 15 प्रतिरूपों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।